पुलिस की गाड़ी रुकवाकर मासूम ने थमा दी अपनी गुल्लक, कहा अंकल लोगों को खिला दीजिए बिस्किट और टोस्ट। उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, यह कहावत नगर क्षेत्र स्थित दुरहिया के पास की एक छोटी बच्ची ने कर दिखाया। अपनी छोटी छोटी बचत को गुल्लक में सुरक्षित रखने वाली नन्ही बच्ची ने लॉकडाउन के दौरान परेशानियों से जूझ रहे जरूरतमंदों को देने का फैसला किया। बताते चलें कि मंगलवार को कोतवाली के उप निरीक्षक मनसाराम गुप्ता अपने हमराही कांस्टेबल गोविंद सिंह, अभिजीत सिंह व विवेक पांडे के साथ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का पालन में भ्रमण कर रहे थे। तभी गाड़ी का सायरन सुनकर दुरहिया के पास उस छोटी सी बच्ची ने मुंह पर मास्क लगाए घर से बाहर सड़क के किनारे आकर पुलिस की गाड़ी को रुकवाया। अचानक बच्चे के द्वारा आवाज देकर गाड़ी रुकवाने पर आनन फानन में गाड़ी रुकी और कांस्टेबल गाड़ी से उतरकर अभी कुछ पूछने ही वाले थे कि बच्ची ने उप निरीक्षक मनसाराम को अपने द्वारा बचत कर गुल्लक में रखे पैसों को यह कहकर दे दिया कि अंकल जी मेरे भी पैसों से कोरोना वायरस की वजह से हो रही लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बिस्कुट व टोस्ट आदि खरीद कर जरूरतमंदों में बांट दीजिएगा। छोटी सी बच्ची की इस बात को सुनकर सभी लोग दंग रह गए। इस बच्ची के छोटे से पर हौसलों बुलंद बात से एक बात तो स्पष्ट है कि बच्ची का यह कृत समाज के लिए एक मैसेज व संजीवनी का काम करेगा जो आने वाले दिनों में एक नजीर बनकर उभरेगा। इस दौरान मनसाराम गुप्ता ने कहा कि इस छोटी की से बच्चे से ही सही परंतु नन्हे हाथों ने कमाल कर दिया और उसके भागीरथ प्रयास व उसकी सोच को मैं दिल से धन्यवाद व सैल्यूट करता हूँ कि उसने आज जो समाज को व गरीबों व असहायों की मदद करने का मैसेज दिया है वह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। लोगों को जब इस बात का पता चलेगा तो लोगों ने इस बच्ची के कार्य को खूब सराहा व उसके जज्बे को सलाम किया।